केंद्र सरकार के किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनखेड़ी द्वारा कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम तहसीलदार राजीव कहार को ज्ञापन दिया गया। बनखेड़ी से जगदीश गढ़वाल की रिपोर्ट। किसानों के पक्ष में ज्ञापन देने हम लोग आए हैं। अभी क्या केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के विरोध में जो अध्यादेश, 3 अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है, उसमें पहला अध्यादेश है कि जमाखोरी के खिलाफ 1955 में जो अधिनियम था उसमें इन्हने संशोधन किया है और उसमें अब छूट दे दी है कि कोई भी व्यापारी कितना भी माल, अभी तक लिमिट थी, अब कोई भी व्यापारी कितना भी माल खरीद सकता है। तो इसके ये किसानों के विरोध में है, क्योंकि जो खरीद करके और जमाखोरी करेंगे और फिर मनमापे दामों पे बिक्री करेंगे। दूसरा अधिनियम जो है सरकार के द्वारा जो समर्थन मूल्य निर्धारण नहीं करना और किसानों की फसल को गुने गुने दामों में खरीद कर जो उद्योगपति लोग हैं, जो स्टकिस्ट लोग हैं, नहीं पूरा जो विपणन संस्थाएं जो है, सरकार ये अध्यादेश ला रही है कि विपणन समितियां जो हैं, जो मंडियों में जो किसानों से जो अनाज क्रय करती थी, वो अध्यादेश मंडियों को खत्म कर रहे हैं और व्यापारियों को एक प्रोत्साहन दे रहे हैं कि व्यापारी कहीं से भी खरीद सकता है और धीरे धीरे मंडियां समाप्त हो जाएंगी और किसान फिर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि किसान जब बर्बाद होगा, जब फंसेगा, तो उसके लिए एक कानून ला रहे हैं कि उसकी अपील कोर्ट में नहीं होगी और वो अपील सिर्फ SDM करेगा, 15 दिन में वो फैसला देगा। यदि 15 दिन में फैसला नहीं हो पाया तो वो अपील कलेक्टर के पास कर सकते हैं और कलेक्टर भी सरकार का प्रतिनिधि होता है, कलेक्टर को कोई पावर नहीं है। कोर्ट में जाने के लिए ये अध्यादेश है कि कोर्ट में किसान नहीं जा सकता। अच्छा, तीसरा अध्यादेश जो है आसन कंटेंट फार्मिंग आश्वासन, उसमें विदेशी कंपनियां जो आएंगी या जो भी कंपनियां आएंगी वो कॉन्ट्रैक्ट जो इस देश में चल रही है किसानों के पक्ष में, कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में आज उनके पक्ष में खड़ी है। किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान इस देश का भाग्य बिधाता है और उन्हीं को सुविधा नहीं दी जाएगी, उन्हीं को सम्मान नहीं मिलेगा इस देश के अंदर, तो पूरा देश रोड पर किसानों के सम्मान में खड़ा होगा। जो जमाखोरी पूंजीपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए जो कांग्रेस ने किसानों के अत्याचार को बढ़ाया है, किसानों की अपमानित किया है, इसका बदला कांग्रेस कमेटी पूरे देश के अंदर लेगी। तो किसानों के सम्मान में आज ये पूरा भारतवर्ष उतरा हुआ है। आज जो जमाखोरी के माध्यम से पूंजीपतियों को बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, ये किसानों के सम्मान की बात नहीं है, उनके अपमान की बात है, उनको दुखी करने की बात है। हम इसी उद्देश्य को लेकर पूरे भारतवर्ष में उनके साथ खड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।